हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गौतमी रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आई है जो कि जीरा आलू बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सकेगा। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें ऐड करने वाले 1/4 चम्मच जो है राई, 1/4 चम्मच जीरा। जैसे ही हमारे यह राई और जीरा अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं करी लीव्स। जो हमने डाले थे वो भी अच्छे तरीके से भून गई है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज। स्लाइसेस में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है, बारीक चॉप नहीं करना है। जीरा आलू खाना सबको पसंद है दोस्तों, इसलिए ये रेसिपी ज़्यादातर ट्राई की जाती है, घरों में बनाई जाती है। और आपको बता दूँ, डोसे में भी ये जो है रेसिपी यूज़ की जाती है। मसाला डोसा में इसी प्रकार की सब्ज़ी ऐड करके उसका मसाला डोसा बनाया जाता है। प्याज जो है हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है, तब तक हम जो है बारीक कटे हुए लहसुन या फिर आप जो है कूट कर भी लहसुन इसमें डाल सकते हैं। लहसुन को ज़्यादा हमें क्वांटिटी में लेना है, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की लेनी है। और हरी मिर्च तब तक इसमें हम ऐड करते हैं, 7 से 8 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड की है। अच्छी तरीके से घुमाते हुए इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। प्याज को हमें थोड़ा डार्क होने तक घुमाना है। बच्चों के लिए अगर आप ये जीरा आलू बनाना चाहते हो तो इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी ये आप जो है जीरा आलू दे सकते हो, पूरी या फिर चपाती के साथ आप इनको दे सकते हो लंच में, या फिर चपाती में ऐड करके रोल बना के दे सकते हो। अब हम लहसुन कूट के डालने वाले हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से हमें लहसुन डालना है। सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है, लाल मिर्च के साथ आपने बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन हरी मिर्च के साथ ये पहली बार आपने ट्राई की होगी तो बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपको जीरा आलू की रेसिपी जो है बता दी है। तो आपको भी पता होगा कि जीरा आलू यानी कि चटपटे जीरा आलू होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के जीरा आलू है, आप भी ट्राई कर सकते हो। जिसको चटपटा खाना पसंद है तो इस तरीके से आप खा सकते हो बनाकर। हल्दी पाउडर ऐड करके मैंने जो आलू कट किए थे 4 से 5 वो इसमें ऐड किए हैं, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके 2 चम्मच नमक लिया है मैंने यहाँ पर। अच्छे तरीके से घुमाते हुए बारीक हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अभी तक इसमें कोई भी मसाले या फिर मसाले का पाउडर ऐड नहीं किया है। ये साधारण तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। और हमें अभी इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसको ढक के रखना है दोस्तों। लगभग हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। और आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आपके आलू जो है थोड़े से मॉइस्चर हो चुका है, नरम हो चुके हैं, तो इसको चम्मच से ऐसे थोड़े से घुमाकर थोड़ा सा मैश करने जैसा करना है। इसके वजह से दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने के लिए भी टेस्टी लगेगा। तो आज की हमारे जो रेसिपी है जीरा आलू बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जीरा आलू बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।